डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उड़न खटोला फिरोजाबाद के रिजर्व पुलिस लाइन में उतरा, जिनके द्वारा जिला फिरोजाबाद में किया जाएगा 2 दिन का दौरा। दौरे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा प्रथम बैठक लोक निर्माण विभाग में जन सुनवाई को संबोधित करते हुए जनता की समस्याओं को सुना। संबंधित समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कर्मचारियों को दिए जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिशा निर्देश। इस प्रोग्राम में गाँव के निरीक्षणों के साथ साथ आंगनबाड़ी व राशन की दुकानों पर किया निरीक्षण। इसके बाद दूसरा दौरा शिकोहाबाद क्षेत्र में स्थित गाँव उबटी में बने स्टेडियम का फीता काट कर उद्घाटन किया एवं फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आए हुए छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही शिकोहाबाद में ही तीसरा दौरा मंडी समिति में किया गया, जहां संबंधी जानकारियों को लेते हुए अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए दिशा निर्देश। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम शिकोहाबाद में स्थित गांव चितावली का दौरा किया। इस स्टेडियम की लागत लगभग 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की लागत को कैसे सदुपयोग किया जाए। जब कोई खिलाड़ी देश के लिए दुनिया का कोई मेडल जीत करके लाता, प्रदेश के लिए कोई देश का मेडल जीत करके लाता, तो उससे प्रदेश भी जिला भी सब लोग खुशी से झूम उठते हैं और अनेक अनेक सौगातों की बरसात उस खिलाड़ी के ऊपर सरकारों के माध्यम से, तमाम सारे समाज के संगठनों के माध्यम से किया जाता। मुझे लगता है कि ये स्टेडियम बना देना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, स्टेडियम का उपयोग किया जाए ये महत्वपूर्ण। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर